इस वीडियो में हम बात करेंगे फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशन जो बनती है आपको पता है उसके क्या क्या फेलियर है, ठीक है, कैसे वो मतलब हमें पता चलता है वो फेल हुई है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो लीग ऑफ नेशंस आपको पता है 1919 में इसका आइडिया होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स है इसमें उसको आइडिया दिया जाता है, और ऑफिशियली तौर पर 10 जनवरी 1920 को ये स्टार्ट हो जाती है वर्किंग करना, मतलब ये इस्टेब्लिश हो जाती है 10 जनवरी को ना 1920। तो 1920s में और 1930s में इसके जो फेलियर्स थे, इसके जो वीक पॉइंट्स थे, जो ये अपना काम नहीं सही से कर पाई, वो क्या था, क्या क्या इसके फेलियर्स थे। मीन्स इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था कि डिसआर्मेंट हो और प्रिवेंशन ऑफ वार, वार को प्रिवेंट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें नहीं होती, डिसआर्मेंट भी नहीं होता, आर्मेंट होता और वार्स को भी प्रिवेंट नहीं किया, तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम फेलियर्स को, जो 14 फेलियर्स हैं लीग ऑफ नेशंस के, उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला जो फेलियर है वो है विल्ना। लिथुनिया एक आपको पता है स्टेट, उसका कैपिटल का नाम है विल्ना, तो उसके ऊपर जो पोलैंड है वो उसके जो कैपिटल है विल्ना उसके ऊपर ऑक्यूपाइड कर देता है, फोर्सेस भेज के उसको कंट्रोल कर लेता है। तो जब लिथुनियन की गवर्नमेंट लीग ऑफ नेशंस के पास जाती है अपनी रिक्वेस्ट लेके, अपनी जो इशू है उसको लेके, तो लीग ऑफ नेशन पोलैंड को ऑर्डर देता है कि आप इसको क्या करें, इसको छोड़ दें। तो पोलैंड वाले छोड़ते नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो आवाम है या मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो पोलिश है, तो ये हमारी स्टेट है, हमारी टेरिटरी है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह जो पोलैंड होता है वो कंप्लाई नहीं करता लीग ऑफ नेशन के साथ और रिफ्यूज़ कर देता है लीग ऑफ नेशन की बात। तो यहाँ आपको पता चलता है कि लीग ऑफ नेशन यहाँ पे फेल हो गई, वो अपनी बात नहीं मनवा पाई या जो इशू था उसको सॉल्व नहीं कर पाई, जो कि लिथुनिया जो था स्टेट उसका इशू था वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाई। सेकेंड फ्रेंड जो आपको फेलियर नजर आता है वो आता है रूसो पोलिश वार में। अब 1920 और 1920 में रशिया और पोलैंड के दरमियान वार होती है, क्योंकि पोलैंड अब जैसे पहले आपको बताया कि वो उसने लिथुनिया विल्ना के ऊपर अपना ऑक्यूपाइड कर लिया, अब वो रशिया के ऊपर गया जो है टेरिटरी को गेन करना चाहता है, तो वो यूक्रेन और जो वाइट रशिया है उसको उसकी टेरिटरी को गेन कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो आती है लीग ऑफ नेशन, वो इंटरवीन करती है और ऑर्डर करती है पोलैंड को आप इस तरह ना करें, लेकिन जो होता है पोलैंड वो इनकी बात नहीं मानता। क्यों, अब देखें तो पोलैंड को बैक कर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस, पोलैंड वाज बीइंग बैक्ड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, मतलब उनको दोनों की सपोर्ट थी, पोलैंड को ब्रिटेन की भी फ्रांस की, तो इस तरह करके ये मेन मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशंस के, तो इस वजह से इसने बात नहीं मानी। तो ये आपको सेकेंड फेलियर नजर आता है। फ्रेंड्स, जो थर्ड फेलियर है लीग ऑफ नेशन का वो आपको नजर आता है ग्रीस और टर्की के कन्फ्लिक्ट में। अब जो फ्रेंड्स था ना ग्रीस और टर्की, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि टर्की चाहता था कि जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज है उसको रिकन्सिडर किया जाए, तो ये कन्फ्लिक्ट आ रहा था ग्रीस के ऊपर, तो वो टर्की की गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहता है, तो इस तरह उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है। और फिर आपको नजर आता है कि ग्रीस को सपोर्ट करता है ब्रिटेन और टर्की को सपोर्ट करता है फ्रांस, दोनों एक तरफ ब्रिटेन का अलाया समझ लेकर फ्रांस का दोस्त है, तो इस तरह का दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है और लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर पाती इस इशू में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो फोर्थ फेलियर है वो है रूर का। आपको पता है जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली रिच रीजन है, तो आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जिसे कहते हैं, उसमें जर्मनी के ऊपर वार रिपरेशंस इम्पोज किए जाते हैं कि आपने इतनी नुकसान हुआ तो वार का अपने रिपेयर के लिए इतने पैसे देने होंगे। अब जर्मनी नहीं पे कर सकता था इतना कुछ, इतना उसके ऊपर जो था वो वार रिपरेशन, इतना ज़्यादा पैसे उसके ऊपर कहा गया, तो इस तरह करके वो नहीं कर पाता। तो फिर क्या होता है कि जो फ्रांस होता है वो रूर का इलाका ले लेता है जर्मनी से, जर्मनी का जो टेरिटरी है रूर जो कि इंडस्ट्रियली बहुत ही रिच था वो उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है, वो जर्मनी से ले लेता है। तो जब ये होता है तो लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है फ्रांस ने ले लिया जर्मनी का इलाका रूर, तो फ्रांस की प्रेजेंस थी और जो ब्रिटेन था वो भी कुछ नहीं करता, और क्योंकि वो अपना जो अलाय था फ्रांस उसको अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, वो रिलक्टेंट था, वो अपने अलाय के ऑपोजिट नहीं आना चाहता था, तो इस तरह करके लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बेसिकली थी फ्रांस और ब्रिटेन की, मेन लीग आया था क्योंकि मेन इन्फ्लुएंस इन्हीं का ही था। तो ये एक जो दूसरा था वो फेलियर था लीग ऑफ। नेक्स्ट फ्रेंड, जो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन है वो है कॉर्फू का। कॉर्फू में फिफ्थ पॉइंट में ये पता चलता है कि जो था ना इटली का जनरल इनरिको टेरिनी और उसका स्टाफ, वो ग्रीक के बॉर्डर्स पर, मतलब इटालियन बॉर्डर्स पर, जो ग्रीक के साथ साथ इटली के बॉर्डर्स लगते थे, वहाँ पर एग्जामिनिंग कर रहे थे, ठीक है,
तो वहाँ उसको एग्जामिन कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनका असैसिनेशन हो जाता है, वहाँ पे उनका मर्डर हो जाता है। तो इस पे क्या होता है कि जो मोसोलिनी होता है वो कर्फ्यू के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो वो कहता है कि जो है ना उसको ग्रीस को कहता है, ग्रीक को, कि आप एक तो उसकी रेपरेशन मनी दें जो इसका जो नुकसान हुआ वो दें, और सेकंड वो कहता है कि जो ग्रीस वाले हैं वो मर्डर्स को एग्जीक्यूट करें। तो ग्रीस वाले कहते हैं कि हमारे हमने तो कुछ किया ही नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो इसके ऊपर फिर क्या होता है कि जो इटली का होता है मोसोलिनी, ठीक है, बेनितो मोसोलिनी, वो इन्वेड कर देता है कॉर्फू के ऊपर और उसको कब्जा कर लेता है। लीग ऑफ नेशंस ट्राई करती है कि आप विड्रॉ करें इस कॉर्फू इलाके से ग्रीस के, लेकिन वो नहीं करता। तो एट द एंड ये होता है कि ग्रीस को एक तो अपोलोजाइज करना पड़ता है और सेकंड रेपरेशन मनी भी देना पड़ता है जो कि नुकसान हुआ होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह करके लीग ऑफ नेशन यहाँ पे भी फेल हो जाती है अपनी बात। नेक्स्ट फ्रेंड जो फेलियर है वो है मंचूरियन अफेयर। अब मंचूरियन आपको पता चलता है कि चाइना का ईस्ट में एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। तो ऑलरेडी जो था जापान, उसने काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स जो थे मंचूरियन जो पार्ट्स थे, प्रोविंस जो था चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बॉर्डर पर लगता था, तो उसके काफ़ी पार्ट्स को पहले से ऑक्यूपाई कर लिया होता है। तो अब चाइना क्या करता, सॉरी जापान क्या करता है, वो ऐसा करता है कि एक फैब्रिकेटेड इंसिडेंट करता है जहाँ पे उसने ऑक्यूपाइड किए हुए थे ना पार्ट्स जो कि इलाके टेरिटरीज मंचूरिया के उसने ऑक्यूपाइड किए होते, तो वहीं पे एक इंसिडेंट को फैब्रिकेट करता है, अपने से ही एक इंसिडेंट करवाता है रेलवे ट्रैक के ऊपर के बॉम्बिंग करवाता है, और फिर इल्ज़ाम लगाता है, ब्लेम करता है चाइना को कि उसने ये इशू किया है। और इसको एक इस प्रिटेक्स की बेस पे, इसकी बेस पे वो क्या करता है, फिर चाइना के ऊपर जो चाइना का जो इलाका है मतलब पूरा प्रोविंस है मंचूरिया उसके ऊपर इन्वेड करता है, अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करता है, उस तरह करके वो पूरा मंचूरिया जो प्रोविंस है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और कंट्रोल में लेने के बाद 1932 में उसको कंट्रोल में ले लेता है और वहाँ पे अपनी एक डिफैक्टो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लेता है, और मंचूरिया जो था प्रोविंस उसका नेम चेंज करके मंचूको कर देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो चाइना के ऊपर जो उसका जो इम्पोर्टेंट सिटी है या टेरिटरी है शंघाई, उसके ऊपर काफ़ी बम्बार्डमेंट करता है, वहाँ पर काफ़ी बम धमाके करता है ये जापान, और काफ़ी इशू क्रिएट करता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, एग्रेसिव एक्टिविटीज़, इसके ऊपर लीग ऑफ नेशन जापान को कंडेम करता है और रोकता है कि आप इस तरह का ना करें, और उसके अगेंस्ट 42-1 42 लोग इसको कंडेम करते हैं, इसको डिनाउंस करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जापान इसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करता। और 1933 में वो लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ देता है और अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर था उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि सब लोग करें तो फिर मैं भी करूँ। तो इस तरह जापान का जो था अपना एक बिहेवियर चल रहा था। नेक्स्ट फेलियर है बोलीविया और पेराय का जो डिस्प्यूट था, चाकू वार इसे कहते हैं, चाकू वो छुरी वाला नहीं, नाइफ वाला नहीं, चाकू एक इलाके का नाम है। इसके ऊपर डिस्प्यूट था बोलीविया और पेराग्वे जो कंट्रीज हैं इनके दरमियान। तो ये पैरा जो चाकू जो एरिया है, टेरिटरी है, रीजन है, इसके ऊपर स्पेयरली पॉपुलेटेड जो है ये रीजन है, मीन्स बहुत कम पॉपुलेशन है, और इसमें जो एक रिवर है कहते हैं कि वो जिस अगर ये एरिया उनके पास होगा तो वो अटलांटिक ओशन तक उनको एक्सेस मिल जाएगा। और इसके अलावा ये भी इसमें चाकू जो एरिया था इसमें ये भी स्पेकुलेशन की जाती थी कि यहाँ पे जो मैसिव देयर मैसिव ऑयल रिजर्वस, बट इट वाज लेटर डीम्ड अनट्रू, मीन्स वो यहाँ पे स्पेकुलेशन थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक तरह की बात थी कि वहाँ पे बहुत सारे ऑयल के रिजर्वस हैं, ऑयल होगा, लेकिन बाद में वो अनट्रू साबित हुई, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या होता है, डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट होता है लेट 1920 से 1930 तक ये चलता है, और 1932 में मैसिव फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाती है दोनों कंट्रीज के दरमियान, बोलीविया और पैराग्वे के दरमियान। और लीग ऑफ नेशन को पैराग्वे कहता है कि असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट लीग ऑफ नेशन कुड नॉट डू एनीथिंग। और आपको पता चलता है कि 1935 में ये जो वॉर होती है ख़त्म होती है, लेकिन इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज होती है, 1,00,000 पीपल डाइड इन दिस लॉन्ग स्केल वॉर एंड देयर वाज ह्यूज इकोनॉमिक डैमेज एज वेल। सो लीग ऑफ नेशन अगेन फेल्ड टू प्रूव इट्स एबिलिटीज, टू प्रूव इट्स मिशन, टू फुलफिल इट्स मिशन। नेक्स्ट फेलियर है इटालियन इन्वेजन ऑफ एबिसिनिया या इटालियन इन्वेजन ऑन इथियोपिया। तो फ्रेंड्स होता क्या है इस इशू में कि जो इटली होता है वो अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहता था, क्योंकि आपको पता है कॉलोनाइजेशन स्टार्ट है, हर कोई सारी कॉलोनीज बना रहे हैं, अपनी टेरिटरी को बना रहे हैं, अपना एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इटली जो था उसको अब इसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो इसलिए वो इटली जो था वो उसके ऊपर अटैक करता है एबिसिनिया के ऊपर। अब एबिसिनिया इसको जब पहला पुराना नाम है इसको इथियोपिया भी कहते हैं। तो जो इथियोपिया था वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री था, इरिशिया समोली लैंड और इटली के दरमियान ही आता था। तो इसके ऊपर अटैक कर देता है इटली, इटली की जो आर्मी होती है वो इन्वेड कर देती है, बेनितो मोसोलिनी जो लीड कर रहे होते हैं इटली को, वो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो होता है
इथियोपिया वो प्रोटेस्ट करता है और डिमांड करता है लीग ऑफ नेशन से कि आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लें, लेकिन लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं करती। लीग ऑफ नेशन जस्ट पुट सम सैंक्शंस ऑन इटली रादर देन पुटिंग सैंक्शंस ऑन इट्स इकोनॉमिक थिंग्स लाइक कोल, स्टील, ऑयल। तो दीज द सैंक्शंस विच वॉज गिवन बाई लीग ऑफ नेशन वर प्रूव फ्यूटाइल, सो देयर वॉज नो इफेक्ट ऑन द इटली। मतलब लीग ऑफ नेशन जो होती है वो सैंक्शन लगाती है, लेकिन जो मतलब जो पाबंदी है वो वगैरह लगा देती है, लेकिन उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इटली के ऊपर। हालांकि उसे उसके कोयल के ऊपर और ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर, ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लगाती। तो इस तरह करके इटली जो इजीली होता है वो कैपिटल जो होता है एबिसिनिया का, इथियोपिया का, वो कैप्चर कर लेता है और एबिसिनिया के ऊपर अपना कंट्रोल, अपनी हेजिमिनी मेंटेन कर लेता है। ठीक है, उसके ऊपर जो उसके जो था हेल से सॉरी सेल्सिली, वो उसके जो होता है इथियोपिया का लीडर, वो कहता है कि आपकी जो जजमेंट होगी वो हिस्ट्री और गॉड उसको रिमेंबर करेगा, आपकी जो जजमेंट्स वो देखी जाएगी। और ये जो था लीग ऑफ नेशन, ये इसलिए था कि हमारे जैसे स्मॉल स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जाए, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। और ये हमारा जो मसला है ये सिर्फ इटली का जो ये जो मसला बना रहा है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, बहुत बड़ा मसला है, जो कि आपको पता चलता है कि वर्ल्ड वार टू में भी इटली काफ़ी जो था अग्रेसिव था। ठीक है, तो ये एक तरह का लीग ऑफ नेशन का अगेन एक फेलियर आपको नजर आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो नाइन्थ लीग ऑफ नेशन का फेलियर है वो है राइनलैंड का। राइनलैंड आपको पता चलता है कि ये जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, टेरिटरी है, एरिया है, सिटी है, और वहाँ पे जो था ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इट वॉज सेड दैट इट विल बी डीमिलिटराइज, बट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज ब्रीच एंड द जर्मनी पुट इट्स आर्मी ऑन दैट रीजन एंड डिप्लॉय इट्स ट्रूप्स ओवर देयर। ठीक है, मतलब ये आपको पता चलता है कि लीग ऑफ नेशन यहाँ पे फिर फेल हो गई है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ही कहा गया था कि राइनलैंड के ऊपर जो जर्मनी का इलाका है वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं होगी, वो डीमिलिटराइज होगा, लेकिन जो होता है क्या कहते हैं जर्मनी का हिटलर, वो अपनी आर्मी को वहाँ फिर भेज देता है, रिक्लेम करता है अपनी टेरिटरी को। और इस तरह आपको पता चलता है कि ट्रीटी को ब्रीच किया गया है, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट फ्रेंड, जो टेंथ इसका फेलियर है वो आपका पता चलता है स्पेनिश सिविल वॉर में। स्पेनिश सिविल वॉर होती है वो 1936 में हुआ था। ठीक है, उसी टाइम उसके बाद यहाँ पे ये भी स्पेनिश सिविल वॉर भी हो रही होती है। तो स्पेनिश सिविल वॉर में जो रिपब्लिकन स्पेनिश गवर्नमेंट होती है उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है बाय द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिलिशिया नेशनलिस्ट। मिलिशिया नेशनलिस्ट जो थे वो रिबेल करते हैं और स्पेनिश को उसकी जो सिविल जो होती है रिपब्लिकन गवर्नमेंट वो उसको ओवरथ्रो कर जाती है। और इस ओवरथ्रोन में या इस रिबेलियन में इसको सपोर्ट करता है फासिस्ट इटली और नाजिस्ट जो होता है जर्मनी वो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो सिविल जो स्पेनिश गवर्नमेंट होती है वो जाती है इसके पास लीग ऑफ नेशन के पास हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, बट लीग ऑफ नेशन कुड नॉट डू एनीथिंग, कुड नॉट एड द स्पेनिश। बट वी केम टू नो दैट कि रशिया जो होता है वो सपोर्ट करता है स्पेनिश गवर्नमेंट को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इस तरह करके वहाँ के ऊपर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आ जाती है बाय द फ्रांसिस्को फ्रांस जो होता है उसका जनरल, वो वहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप कर लेता है। तो इस तरह करके चलता है कि लीग ऑफ नेशन यहाँ पे फिर फेल हो गई है, क्योंकि जो फॉरेन इंटरवेंशन वो हुई है, मतलब जो स्पेन है उसके ऊपर फॉरेन इंटरवेंशन हुई है और लीग ऑफ नेशन ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का ये भी था कि हर कंट्री की अपनी एक सॉवरेनिटी है, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई फॉरेन जो है इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इंटरवीन करते हैं, वो भी करता है जर्मनी, इटली और रशिया भी करता है। तो इस तरह करके यहाँ पे लीग ऑफ नेशन आपको फेल होती हुई नजर आती। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फेलियर हमें नजर आता है ऑस्ट्रिया के अंदर। जर्मनी जो होता है वो ऑस्ट्रिया के ऊपर इन्वेड कर देता है और ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लेता है। ठीक है, हालांकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये था कि वो एनेक्स नहीं करेगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में और ट्रीटी ऑफ जर्मेन जो कि साइन होती है जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था ना, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी में ये होती है ट्रीटी। तो जर्मनी जो होता है वो अनेक्स कर लेता है ऑस्ट्रिया को, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स थे जो कि डिटर्मिनेंट थे इस ट्रीटी के, वो कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह लीग ऑफ नेशन यहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फेलियर है ट्वेल्थ फेलियर वो ये है कि म्यूनिक डिक्टेट का, या जिसको कह सकते हैं स्लोवाकिया का जो है फेलियर वो। अब होता है कि जर्मनी जो होता है उसने उसको कर लिया है, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल कर लिया है, एनेक्स कर लिया है, ठीक है, अपना अंदर संभाल लिया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब वो होता है क्या करता है कि वो ना स्टूडेंट लैंड जो चेकोस्लोवाकिया का एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो कि जर्मनी के बॉर्डर्स के साथ लगता है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अटैक करने से पहले क्या होता है, वो कहता है कि मैं अटैक करूँगा, तो उससे पहले ये होता है कि वो ना उससे पहले साइन होता है, एक ट्रीटी होती है इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी इनके साथ
पैक्ट साइन करता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लैंड लूंगा, मुझे इसकी जरूरत है, यहाँ पे जर्मनी के लोग रहते हैं, ये हमारा एरिया, तो क्लेम करता है, तो वो उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली उनको दे देते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हो रहा है, तो जो चेकोस्लोवाक जिसका रीजन है उससे ही नहीं बताया जा रहा, उसको ही इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो उसको जबरदस्ती उसको उसका जो होता है वो इलाका उससे छीन लिया जाता है। अब क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रिटेन फ्रांस वाले के जर्मनी जो है वो अकेला आपको पता है काफ़ी खतरनाक अग्रेसिव है, तो कहते हैं या तो आप चुप करके स्टूडेंट लैंड दे दें जर्मनी को, या तो लड़ाई करके दे दें। चेकोस्लोवाकिया छोटा एक स्टेट था, तो आपको पता था कि वो उसको जीत नहीं सकता, जर्मनी से वो जीत नहीं सकता, अकेला कोई भी जर्मनी से इतना नहीं जीत सकता था, जर्मनी काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी जो था ना मतलब इस हवाले से स्ट्रॉन्ग था। तो इस तरह करके वो खामोशी से स्टूडेंट लैंड जो होता है चेकोस्लोवाकिया को वो उसे दे देते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि ट्रीटी में तो सिर्फ स्टूडेंट लैंड लेना था, लेकिन जो जर्मनी होता है वो पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया अपने अंदर ले लेता है। तो ये भी यहाँ पे लीग ऑफ नेशन की आपको नजर आता है फेलियर आता है, और आपको पता चलता है कि पहले ऑस्ट्रिया भी ले लिया, चेकोस्लोवाकिया भी ले लिया, फिर पोलैंड के ऊपर हमला करता है, इन्वेड करता है, लेकिन जब पोलैंड के ऊपर इन्वेजन होता है तो फिर फुल स्केल वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो 13 इसका जो फेलियर है वो है डिसआर्मेमेंट का। 1923-1932 में टॉक्स होती हैं कि हम डिसआर्मेमेंट करेंगे, आर्म्स को ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, आर्मेमेंट स्टार्ट होती है, सारे कंट्रीज आर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, जर्मनी भी बाकी स्टेट्स की तरह आर्मेमेंट करता जाता है, तो यहाँ पर भी लीग ऑफ नेशन आपको फेल होती नजर आती है। ठीक है, लास्ट जो इसका फेलियर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनती है आपको पता है, तो इसमें ये होता है कि पूरी दुनिया में क्या होगा कि लेबर के लिए काम किया जाएगा, जो लेबर होते हैं, जो वर्किंग क्लास होती है, जो काम करती है, मेहनत करती है, तो उन्होंने कहा था कि एक वीक में 48 आवर्स की जो है वो वर्किंग होगी, 48 आवर्स पर वीक, कि एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसमें 48 घंटे ही एक जो होगा वो काम करेगा, जो लेबर है जो काम करने वाला है, मीन्स कि 8 घंटे एक दिन में, 8 6 48, संडे की छुट्टी हो जाए, ये मतलब इस तरह के पूरे वीक के 48 आवर्स होने। तो ये जो था एक आइडिया या कॉन्सेप्ट जो लेबर की कह सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए था, तो इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सका, मतलब जो लीग ऑफ नेशन था इसको इम्प्लीमेंट कराने में फेल हो जाता है, पूरी जो वर्ल्ड है या बाकी स्टेट्स के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता, तो ये भी लीग ऑफ नेशन का एक फेलियर था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ फेलियर्स लीग ऑफ नेशन के 14 में, आपको डिस्कस किए डिसआर्मेमेंट, इथियोपिया, टर्की का, ग्रीस का, पोलैंड का, जर्मनी का, इटली का, वो मंजूरिया का, डिसआर्मेमेंट का, लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और चाकू का। तो इस तरह करके ये सारे फेलियर अपने माइंड में रखने, क्योंकि इस तरह पता चलता है कि किस तरह लीग ऑफ नेशन फेल हुई है 1920s में और 30s में, और किस तरह अपीजमेंट की पॉलिसी जो ब्रिटिश था वो इसको फॉलो कर रहे हैं, मीन वो कुछ भी नहीं कर रहे, अपीज है कि जर्मनी अब शांत हो जाएगा, जर्मनी अब जो होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा, या अब उसकी भूख खत्म हो जाएगी, बट जर्मनी कुड कॉन्ट स्टॉप, जर्मनी देन स्टार्टेड द वॉर, तो इस तरह करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर स्टार्ट हो जाती है, और पता चलता है कि लीग ऑफ नेशन कम्प्लीटली तौर पर फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।